हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी टेट का सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको गूगल पे सर्च करना है सिलेबस ऑफ यूपी टेट 2021 पीडीएफ। तो सबसे पहले यूपी टेट का जो सिलेबस होता है, एग्जाम पैटर्न होता है, उसमें दो पेपर होता है। पेपर वन जो होता है वो प्राइमरी लेवल के जो टीचर बनते हैं वो पेपर वन से बनते हैं, और जो पेपर टू होता है वो हायर सेकेंडरी लेवल के जो टीचर होते हैं उनके लिए होता है। तो जो पेपर वन होता है उसमें पांच सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये भी 30 नंबर के होते हैं और 30 मिनट में करने होते हैं। और जो दूसरा पेपर होता है वो हिंदी होता है, लैंग्वेज इसमें वन और लैंग्वेज टू होता है। जो लैंग्वेज टू होता है उसमें इंग्लिश और संस्कृत भी होता है, ये दोनों ऑप्शनल होता है, इसमें से आपको ये चूज कर सकते हैं, ये भी 30 नंबर का होता है। और जो चौथा पेपर होता है वो मैथमेटिक्स का होता है, ये भी 30 नंबर का होता है। और जो पांचवा होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज इसका होता है, तो ये भी 30 नंबर का होता है। तो इसमें पांच पेपर होते हैं, 30-30 नंबर के होते हैं, कुल मिला के 150 नंबर का पेपर होता है। जो पेपर टू होता है ये इसको क्लियर करने के बाद आप 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें चार पेपर होता है, इसमें भी पहला पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालोजी होता है, इसमें 30 नंबर का ये भी होता है। और जो पेपर टू होता है वो हिंदी का होता है, हिंदी में आपका 15 नंबर का हिंदी का ग्रामर पूछता है और 10 नंबर का हिंदी का पेडालोजी पूछता है। जो तीसरा होता है, तीसरा सब्जेक्ट लैंग्वेज टू, इसमें इंग्लिश और संस्कृत दोनों ऑप्शनल होता है। अगर आप इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर संस्कृत से पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी 30 नंबर का होता है। इसमें भी 15 नंबर का ग्रामर पूछता है और 15 नंबर का इसमें पेडालोजी आता है। जो चौथा पेपर होता है साइंस और मैथ दोनों पूछता है, 60 नंबर का होता है। अगर आप साइंस और मैथ के स्टूडेंट नहीं है तो आप सोशल साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं, सोशल साइंस ये भी 60 नंबर का होता है। इसमें हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह पूछता है। तो जो पेपर वन होता है वो भी 150 नंबर का होता है, जो पेपर टू होता है वो भी 150 नंबर होता है। अब आती है कि आप इसको कहाँ से पढ़ें। यूपी टेट का जो फर्स्ट पेपर होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैरालोजी, ये भी होता है। तो इसको आप इसका आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका एक बुक आता है वो भी बहुत सही है, उससे भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। पेपर वन और टू दोनों में ये फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, ये कॉमन होता है, दोनों एक ही जैसे पूछता है। जो हिंदी है, हिंदी में आपका ग्रामर पूछता है 15 नंबर के, और 10 नंबर का आपका क्या पूछता है, 10 नंबर का आपका पेडालोजी पूछता है। तो आप ग्रामर जो बीएड के एंट्रेंस में जो बुक में दिया हुआ है वो अच्छा है, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो पेडालोजी होता है उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और इंग्लिश में भी इसका ग्रामर पूछता है 15 नंबर का, 15 नंबर का पेडालोजी पूछता है, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। मैथ का भी होता है, मैथ में अर्थमेटिक, अलजेब्रा और जियोमेट्री तीनों होता है, उसमें से क्वेश्चन आता है। इसको क्लियर करने के लिए आप 10th तक के मैथ, हिंदी, इंग्लिश जितने भी बुक्स आते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, उससे आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो यही है इसका एग्जाम पैटर्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।